दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और अभी मैं रुका हूँ बागेश्वर धाम और एक आंटी के यहाँ पे रूम पे, मतलब वो मतलब बना रखे हैं, तो उसमें रुके हम। और यहाँ का एक बंदे का, एक मतलब एक गद्दे का किराया है मात्र 100 रुपये, और 100 रुपये तो, और मतलब 24 घंटे आप रह सकते हो 100 रुपये में। और मैं आज का जो ब्लॉग बनाने वाला हूँ वो पूरे बागेश्वर धाम में, जहाँ पे मतलब मेला वेला टाइप का लगा है, और जो बालाजी सरकार जो है मतलब वहाँ पे बनाऊँगा, और आपको मैं दिखाऊँगा इस ब्लॉग में पूरा। और अभी मैं सुबह हो रही है, तो सबसे पहले राम राम। और भैया अभी नहा धोते हैं, फिर आपको आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में अंदर चल के। तब तक आप ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो भाई अभी नहाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में अंदर के साथ। तो ये अभी सुबह हो गया, और भैया अभी से इतनी ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो अभी आगे बताने कितनी भीड़ होगी, देख सकते हो। भगाया मिठाइयाँ, ये दुकानें, मालाएँ, भीड़ ही भीड़ है। और अभी सुबह ही हो रही है, सुबह सुबह इतनी भीड़ है। तो गाइस रात की भीड़ देख सकते हो आप, मैं अभी आपको रात की भीड़ दिखाता हूँ। तो गाइस रात की भीड़ ये है, आप रात की भीड़ को देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो, मतलब सब में आदमी लोग ही लोग, श्रद्धालु श्रद्धालु दिख रहे हैं। और बस देखो ये अंदर की है, जिस गली से अपने गए थे अंदर, वो है गैलरी, ऊपर मंदिर है इसके, बकाया देख सकते हो आप भीड़ का क्या हाल हो रहा है। तो देख ही लिया होगा आपने भीड़ अब। गाइस ये है यहाँ की मतलब दुकानें, जिससे कि हम सामान ले सकते हैं, और यहाँ पे रहने की व्यवस्था फुल है। आपको एक गद्दे का 50 रुपये 100 रुपये में, मतलब एक गद्दे की जगह मिलेगी, चाहे आप उसमें दो सो जाओ चाहे एक। आपको भी मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ, मतलब भीड़ ही भीड़ है भैया। और ये है मंदिर, ऊपर को है एक मंदिर, और भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ कैसा है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, चंदेरी से घंटी, चंदेरी से घंटी, आप तक हमारी आवाज पहुँच रही हो तो आपकी माता जी रामदाला। तो गाइस मैंने यहाँ से अंदर को एंट्री मार दी है, जो कि इतनी लंबी लाइन है, और इसको पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, जितनी लाइन है सबको एक एक करके पूरी लाइन को पार करना पड़ेगा, वो उधर तक का पूरा। तो गाइस पता है कम से कम 20 से 25 मिनट में एक लाइन क्रॉस कर पाया हूँ मैं, और अभी आगे को जाऊँगा और आगे की लाइन भी दिखाऊँगा, कि मतलब आगे के और कुछ भी दिखाऊँगा। बकाया सब लोग मस्ती कर रहे हैं देखो फ़ोन में, मतलब भाई साहब यहाँ इतनी भीड़ है ना, कि मतलब कुछ है, लग रहा है कि गुरुजी मतलब बागेश्वर धाम जो है ना, कि कुछ है, मतलब भाई साहब यहाँ शक्तियाँ, इतनी शक्तियाँ है ना। भैया घूम घूम के इतनी देर हो गई है ना, क्या बताएं, और भीड़ तो लाजवाब वाली है, इतनी ज्यादा भीड़। भैया बताएं, मैं वहां से लगा और वहां से घूम घूम के और यहां पहुंच चुका हूं, और अभी वो उधर पूरा घूमने हैं, और बगैर फिर ऊपर वो उधर मंदिर में जाना है, पता नहीं मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे लगेंगे शायद। तो भैया बताएं आपको, मंदिरों में खासकर ऐसा तो होता ही है कि पिठिया लगाने का, ये भाई साहब मैंने बहुत मंदिरों में लगाया, राधा कृष्ण मंदिर में भी देखा है, बड़ा मतलब मथुरा में भी देखा है, बहुत ज़्यादा मंदिरों में देखे हैं, ये पिठिया लगा रहे ना भैया, इनके पास चाहे तुम पैसा दो या मत दो, वो आपकी मर्ज़ी है, ये भैया मांगते नहीं है किसी से पैसे, कि भैया हमें पैसे दे दो, बस आपका दिल करे तो दो पैसे, नहीं दिल करे तो मत दो पैसे। और भैया मतलब ये लोग सही करते हैं अपना, जहाँ जो भी है बहुत अच्छा करते हैं। और बकाया भाई देख सकते हो कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि इधर की साइड देखो पूरा भाई, पूरी भीड़ के वजह से पूरी झाक भरी पड़ी अभी लाइनें, और वो उधर देख रहे हो वहाँ के लिए, मतलब मैं वहाँ से खड़ा हुआ था, और अभी देखो वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, और मुझे पता है जाना किधर है, मुझे जाना भी बहुत आ गया है भाई साहब। वो भैया आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की भीड़, आ रहे जा रहे। तो गाइस पता है मैं कम से कम जो पीछे वाली रेलिंग है उससे निकल के आया हूँ आपका, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा उधर लग गया था, बीच में पहुँचा तो काफ़ी टाइम लग गया, और आगे जाता हूँ यहाँ से। तो गाइस चलते हैं यहाँ से ऊपर, और ऊपर आप देख रहे हो कि इतनी लंबी लाइन पड़ी है ना, क्या बताएं, और नीचे देख सकते हो भाई साहब पूरा मैदान,
भरा पड़ा है और आ रहे हैं जा रहे हैं श्रद्धालु अपने भक्त देख रहे हो। और गाइस जो यहाँ के बागेश्वर धाम है उनके यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट ये है, आप देख सकते हो और इनको फॉलो कर लो, बकाया मुझे भी कर लेना। और भैया जो ये देखो पीछे का इतना एरिया है ना पूरा ऐसे भर गया ना, क्या बताऊँ, मतलब 4 घंटे के अंदर ऐसा हो गया, रात से ऐसा हो रहा था, मतलब 4 घंटे हो गए मेरे को यहाँ तक ऐसे आने में। और ये पीछे देख लो आप, पीछे का एरिया भी पूरा फुल है, ये पूरी इतनी बड़ी गली है पूरी फुल है वहाँ से यहाँ तक भाई साहब, इतनी भीड़ ना मैंने कहीं नहीं देखी जैसी यहाँ हो रही है। देख रहे हो ये लाइन में भी ऐसे घुसे पड़े हैं भाई, और ऊपर आप पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्योंकि और काफ़ी लंबी लाइन है, आपने देख ही लिया। अब देखते हैं कि कितनी देर में मेरा नंबर आता है आगे चलने के लिए। मम्मी पीछे, ओ पीछे देखो भाई साहब इतनी बड़ी लाइन, पूरा झकझक भरा पड़ा है, खचा खच, क्या बताएं भाई साहब। गाइस गुरु जी बाहर आ चुके हैं, मैं आप कैसे दिखाऊँ, यहाँ से भीड़ इतनी हो रही है, जूम इतना हो नहीं पा रहा है, अभी उधर चल के देखते हैं चलो। तो गाइस आपने गुरुजी के दर्शन कर लिए और बकाया यहाँ पे गुरुजी अंदर से कुछ बातें कर रहे हैं और बकाया नारे वारे लगा रहे हैं और आपको अभी बहुत कुछ बताएंगे यहाँ से गुरुजी। तो गाइस आप बस भाग बने रहो और आगे आगे देखो अभी क्या होता है, और गुरुजी कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कैसे हो, दर्शन हो गए बालाजी के? दादा गुरु जी जिनकी तपस्या और साधना के प्रताप से समूचे भारतवर्ष के साथ साथ देश और विदेश से आने वाले लाखों भक्तों को इस जिंदगी में छल और कपट की दुनिया में भगवान क्या ये लग रहे हैं आपके परिक्रमा? अभी मैंने 7वां पता नहीं 6ठा परिक्रमा लगा रखे हैं, बहुत बड़ा है एक परिक्रमा की एरिया करीब से कम ना तो भैया 1.5 किलोमीटर की होगी एक परिक्रमा, मैंने 6-7 लगा दिए हैं और अभी लगा रहा हूँ, लगाते रहूँगा अभी। फाइनली मैंने अब परिक्रमा पूरे लगा दिए हैं, पर मैंने गिने नहीं कितने लगाए, मैंने परिक्रमा पर बहुत ज़्यादा लगाए, पता नहीं कितने लगाए। अब चलते हैं यहाँ से जहाँ हम रुके हैं वहाँ के लिए, और वहाँ चल के थोड़ा कपड़ा चेंज करते हैं और नहाते हैं दोबारा से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा गर्मी लग गई, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई। अब नहाते हैं घर वहाँ पे जहाँ पे हमने जगह ले रखी अपने रहने के लिए रुकने के लिए। और बकाया आप देख सकते हो कि मतलब अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है ना, क्या बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ही भीड़ है भाई साहब, रखने पैर रखने को जगह नहीं थी, अब थोड़ी कम हो गई है, वरना इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब चलते हैं यहाँ से जहाँ पे रूम लिया है वहाँ, वहाँ जाके कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद आगे का दिखाते हैं आपको, तब तक आप लोग बने रहना। और गाइस पता है जिस जगह पे मैं रुका हूँ वो जगह यही है, और यहाँ पे एक गद्दे का मतलब 100 रुपये एक बंदा लेता है एक गद्दे को, और चाहे उस पर 200 जाए या 300 जाए, पर एक गद्दे का 100 रुपये ही लगेगा आपका, और वो जगह ये है। और जो आंटी है ना यहाँ की बहुत अच्छी है, इन्होंने ना मतलब बहुत अच्छे से पूरी व्यवस्था कर रखी है, पर एक दिक्कत है यहाँ दिन में लाइट नहीं आती है, बस रात को ही लाइट आती है, गर्मी से बेहाल हो चुके हैं दिन में, बस ऐसा है यहाँ पे, बस है ठीक, बहुत बढ़िया लगा यहाँ के, और आंटी ने अच्छा करा, यहाँ पे चाय पानी सब कुछ है, मतलब इनका खाने की व्यवस्था पूरी है, और आगे नहाना धोने का सब, मतलब पूरा फुल इंतजाम है यहाँ आपके, मतलब कोई भी दुखी नहीं हो सकता यहाँ पे आके, ऐसा है। तो इस फाइनली मैं आके नहा के रेडी हो चुका हूँ और दूसरे कपड़े भी पहन चुका हूँ, और आपने देखा ही था कि आज कितनी भीड़ हो रही थी यहाँ पे, सुबह से इतनी भीड़ थी और शाम को भी भीड़ थी, देखो अब मैंने एक दो किले मैंने शाम की डाली थी, शाम में आपने देखा ही था कि मतलब शाम से इतनी भीड़ हो गई थी, तो सुबह कितनी थी,
तो गाइस पता है, और आज मैंने आपको इस ब्लॉग में थोड़ा सा दिखाया था कि गुरुजी के दर्शन कराए थे, और जो कल का ब्लॉग आएगा ना उसमें आपको गुरुजी के पूरे क्लियर दर्शन कराऊंगा। तो भाई साहब अगर आप चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना कि दर्शन आपको गुरुजी के लाइव करा दूं मैं। तो भैया आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं आपको कल वाले ब्लॉग में गुरुजी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल,